तो जब बच्चा छोटा है और पेट में दर्द हो रहा है, जैसे कि मचोड़ के दर्द हो रहा है, बच्चे का पेट सडनली दर्द होने लग रहा है, और जो कि पेट में गैसेस है, तो उस समय आप यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए वह है मेप्ताल एस्पास सिरप। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप पूरी जानकारी रखना चाहते हैं वीडियो के अंत तक बने रहें, और अपडेटेड रखना चाहते हैं अपने आपको मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको नई नई मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से आपको हमेशा अपडेटेड रखूं। इसके अंदर जो दो मॉलिक्यूल है, डाइसाइक्लोमिन और सेमिथिकॉन, ये बहुत ही अच्छे मॉलिक्यूल है। ये जो पेट में जैसे कि निचोड़ के दर्द होता है, जैसे बच्चों के पेट में, तो उस दर्द को कम करता है, स्पाजमिक दर्द को कम करता है, जो सडन दर्द होता है, और जैसे पेट में बच्चों के गैस है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो उसको भी दूर करता है। जो गैस बनती है जिसके बबल्स की वजह से, तो उसी बबल को ये सेमिथिकॉन ब्रेक करता है, जिसकी वजह से गैसेस निकल जाती है। तो जिसकी वजह से बच्चे का पेट जो गैस और स्पाजमिक दर्द हो रहा था वह कम हो जाता है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, तो बच्चों में जी मचलाना है, उल्टी आना, और जैसे कि बच्चों को थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकती है, भूख कम लग सकती है, तो कॉमन साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं इसे कब देना चाहिए। तो जब बच्चों के अंदर उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या बच्चों के पेट में गैस की वजह से दर्द हो रहा है, तो उस समय आप दे सकते हैं। तो अगर आपको इसे देना है बच्चों में, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें। इसका डोज आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं, पर एम जी पर के जी। तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में पूछ लेना, जो बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है या गैसेस की वजह से दर्द हो रहा है, या पेट में किसी तरह से स्पाजमिक दर्द हो रहा है, तो आप दे सकते हैं। तो मोस्टली अवेलेबल मिल जाता है मेडिकल में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो और चैनल पे पहली बार विजिट किए, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपडेटेड रहना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।